अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लैम बाय फायज़ा। और आज आप देख रहे होंगे स्टार्टिंग से ही मैं क्या आप लोगों को केक शेक दिखा रही हूँ। और आप लोगों ने पढ़ भी लिया होगा कि 500 सब्सक्राइबर के लिए जो ये हमने छोटी छोटी पेस्ट्रीज मंगवाई थी कि हमारे 500 सब्सक्राइबर हो गए, माशाल्लाह सुपर ही हो गए। 500 प्यार का इतना पसंद करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। लेकिन अभी आपने आगे और सब्सक्राइब करना है, अभी हमें आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। लेकिन अभी 500 ही कितनी खुशी है कि मैं यहाँ तक भी पहुंच गई, ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब और जो न्यू है वो सारे सब्सक्राइब करें प्लीज। जल्दी से जाके चैनल सब्सक्राइब कर लें जो जो न्यू है। Thank you guys. सब्सक्राइबर्स। हाँ, और बीच में से इतना सॉफ्ट था। ये है ना पापा की बे। ये है ना पापा की बे। बस ये 500 सब्सक्राइबर होने की खुशी में जो हम लोगों ने घर में एक छोटी सी सेलिब्रेशन की थी कि पेस्ट्रीज मंगवा के, बच्चे भी बहुत एक्साइटेड थे, आयजा भी, कि 500 सब्सक्राइबर हो गए तो हमें एक छोटी सी सेलिब्रेशन करनी चाहिए। मामा, मैंने कहा चलो ठीक है, यहीं से शुरुआत करते हैं। कतरा कतरा करके ही जो है दरिया बनता है। तो इंशाल्लाह ये बस आहिस्ता आहिस्ता करके हम भी जो है अपनी एक यूट्यूब फैमिली बना लेंगे बहुत जल्द। आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट करना है। और जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं वो भी प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और अब यहाँ मैं आपके साथ जो है अपनी फैमिली में, एक हमारी जो है बर्थडे पार्टी थी, मतलब एक ग्रैंड बर्थडे का इनविटेशन हमें आया हुआ था। मेरी ससुराल में मेरी नंद का बेटा है, उसकी बर्थडे थी। तो बस मैं वो पैकिंग शैकिंग में लगी रही, तैयारियों श्यारियों में, तो उसका मैं व्लॉग नहीं बना सकी। लेकिन अब ये यहाँ हम पहुँच गए थे तो अब तैयार हो रहे थे बर्थडे में जाने के लिए। तो यहाँ जो है मैं तैयार हो चुकी थी ऑलमोस्ट, लेकिन बस यहाँ पर मैं अपना स्कार्फ डन कर रही थी कि कौन सा वाला लूँ, तो मैं बस वही डिसाइड कर रही थी। बाकी ऑलमोस्ट सब पहुंच चुके थे। अच्छा, मैं एक दिन पहले ही आ गई थी अपने ससुराल, और फिर हम लोग नेक्स्ट डे जो थी ना, मतलब डे टाइम में जो थी ना बर्थडे थी, तो फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम जो नेक्स्ट डे जो है हम लोग जल्दी जल्दी सुबह उठे, नाश्ता वगैरह किया, और फिर हम लोग रेडी होकर जो है अपनी मंजिल की तरफ ही जा ही रहे थे, बस जहाँ हम लोगों ने जाना था। बहुत ज़बरदस्त ग्रैंड बर्थडे थी, तो मैंने सोचा इसका व्लॉग आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूं। और ये थी मेरी फ़ाइनल लुक तैयार शेयर होने के बाद। मैंने सोचा मैं आप लोगों को अपना मेकअप भी दिखा दूँ। डे टाइम में था तो बहुत लाइट लाइट मेकअप किया, ज़्यादा हैवी लुक नहीं की। और ये हम लोग यहाँ पहुँच चुके थे। ये हम पहुंच गए। अच्छा, इस जगह का नाम था द रॉयल बिस्ट्रो। यहाँ पे बुफे था और बहुत ज़बरदस्त जो है बर्थडे का अरेंजमेंट किया गया था, बहुत मज़ा आया था। आप लोगों को भी, आप भी आगे भी बहुत कुछ दिखाऊंगी। यहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी, बच्चों के करने के लिए बहुत कुछ था, इन मतलब बहुत मज़ा आया, हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया। अभी आप लोगों ने पूरा एंड तक व्लॉग देखना है, मिस नहीं करना। मैडम तैयार हो गई हैं, लिफ्ट ही नहीं करा रहे। हेलो हेलो बोले। हेलो जी, हेलो जी, क्या हो गया। ये अभी भी तैयारियां हो रही हैं, हैं? अभी भी सेटिंग्स चल रही हैं। बाबा, दिखा दूँ इस बाहर से, इस तरह का था ये, बहुत बड़ा बना हुआ था, बहुत खुला डुला एरिया था, मतलब आप इजीली जो है ना आप इंजॉय कर सकते हैं। तो अब मैं आपको लेके चलती हूँ ये अंदर, और ये है अंदर सारा सेटअप जहाँ पे जो है केक वगैरह कटिंग की जाएगी। ये सारा सेटअप लगाया गया था बर्थडे के लिए, बहुत अच्छा डेकोर किया हुआ था, बहुत ज़बरदस्त मतलब था सब कुछ अरेंजमेंट वगैरह।
और अंदर जो बूफे था वो भी बहुत ज़बरदस्त था, अभी आपको वहाँ भी लेके चलूँगी। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने हर चीज़ मतलब बच्चों का एंटरटेन करने के लिए हर चीज़ इन्होंने यहाँ रखी थी। और अमल यहाँ फिशेस देख के बहुत इंजॉय करी थी, अपने दादा के साथ खड़ी थी और उसकी फुल टाइम बातें हो रही थी फिशेस के साथ और दादा के साथ, फुल उसकी कन्वर्सेशन चल रही थी, खूब इंजॉय किया जा रहा था। अब आप बहुत मैं कहती हूँ, अच्छा फैमिली के अंदर ना इस तरह की बर्थडे, इस तरह के जो है ना सेलिब्रेशंस आनी चाहिए। इंसान एक तो गेट टुगेदर हो जाता है और फिर बहुत अच्छे से इंजॉय भी कर लेते हैं। अब यहाँ पूरी फैमिली जो है ना वो इकट्ठी हो गई है, क्योंकि अब सब बस अब जो है ना केक कटने वाला था तो सब एक तरफ जो है आ गए थे और अब कुछ ही देर में जो है ना केक कटने वाला है, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होने वाली हैं। और ये रहा हमारे बर्थडे बॉय के पेरेंट्स, दादा दादी नाना नानी सब यहाँ हैं और अब यहाँ पर होने लगी है केक कटिंग सेरेमनी। केक भी बहुत ज़बरदस्त था, बहुत मज़े का टेस्ट था केक का, बहुत अच्छा था। बस अब यहाँ पर जो है सब जो है गिफ्ट दिए जा रहे थे, पिक्चर्स ली जा रही थी सबके साथ, बर्थडे बॉय के साथ सब अपना अपना एंजॉय करने में लगे थे। कोई अपनी पिक्चर्स बना रहा था, कोई फैमिली के साथ बना रहा था, सब अपना अपना एंजॉय करने लगे थे। अच्छा, ऐसे मतलब जगहों पर ना मज़ा आता है कि सब अपना अपना एंजॉय कर रहे होते हैं, सब आपस में हंसी मजाक भी कर रहे होते हैं। और ये रहा यहाँ का यहाँ एरिया जो कि बहुत ज़्यादा खुला डुला बड़े सुकून से बैठ के खाने वाला था, कोई अफरा तफरी नहीं थी, कोई मतलब रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी, कुछ भी नहीं था। सब बच्चों ने बहुत इजी इंजॉय करके खाया, बड़ों ने बहुत इंजॉय करके खाया और खाने में भी बहुत सारी डिशेस थी और सब यहाँ अपनी मर्ज़ी से जहाँ जिसको जगह मिल रही थी सब बैठ रहे थे, कोई ऐसी वो नहीं था कि नहीं। बहुत ज़बरदस्त मतलब कहने का बस ये है कि बहुत ज़बरदस्त अरेंजमेंट था और हर तरह से और हाइजीन का बहुत ख्याल रखा हुआ था इन्होंने, हर चीज़ बहुत अच्छे से की हुई थी मतलब। और अगर टेस्ट की बात करें तो टेस्ट भी मैं कहूँगी 10 out of 10 है, मतलब बहुत मज़े का खाना था। सैलड वगैरह बहुत मतलब डिफरेंट डिफरेंट किस्म की सैलड थी और ये मीठे में बहुत कुछ था, बहुत कुछ खाया गया। सब बूफे होने का ना एक ये फ़ायदा होता है कि इसमें आपको वैरायटी बहुत ज़्यादा मिल जाती है और ये होता है कि आप जो है ना किसी एक चीज़ एक डिश के साथ जो अपना पेट नहीं भरते, आप थोड़ा 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 हर चीज़ को आप टेस्ट करते हो तो आपको उसी से पेट भर जाता है और एक टेस्ट भी डिवेलप हो जाता है बहुत मज़े का मतलब। और सबको अपनी मर्ज़ी की और अपनी पसंद की जो डिशेज़ मिल जाती है। और ये है मेरी प्लेट जो जिसमें मैंने चाउमीन लिए थे, फ्राइड राइस मंचूरियन लिया था और फिश थी, चिकन था, इस तरह के बस मैंने चाइनीज़ मतलब खाया था। और ये रहा प्ले एरिया, यहाँ पे भी बच्चे फुल इंजॉय कर रहे थे और अमल ने तो बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, यानी कि आप बच्चों के लिए ना हर तरह का उन्होंने अरेंजमेंट किया था। बच्चों के साथ साथ उन्होंने बड़ों का भी ख्याल रखा और उन्होंने बड़ों के लिए भी गेम्स रखी हैं, हॉर्स राइडिंग भी थी और बड़ों के लिए इस तरह की गेम्स थी। और ये आप मेरी फैमिली के ही सारे जो है ना बड़े खड़े हुए हैं और सब गेम को फुल इंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, अमल ने ना माशाल्लाह अपनी बहनों के साथ मिलके बहुत इंजॉय किया, मतलब उसे नहीं पता था कि मामा कहाँ है तो बाबा कहाँ है, वो अपना स्विंग्स में लगी रही। अच्छा, और यहाँ पे हम लोगों का शाम तक जो था स्टे था, मतलब ये नहीं कि हम खाया पिया और हम फौरन निकल गए, ऐसा कोई सीन नहीं था। तो हम लोगों ने जो शाम तक बैठे यहाँ पे भी कवाली नाइट होनी थी तो हम लोग उसी का वेट कर रहे थे और अपना जो है आपस में इंजॉय, हंसी मजाक खूब हो रहा था, मतलब सब लगे हुए थे। यहाँ पे ना इन लोगों ने बॉनफायर का भी अरेंजमेंट किया हुआ था तो इससे ना ज़रा, और ना मौसम बहुत अच्छा था, उन्होंने गेम्स वगैरह मतलब लूडो भी रखी थी, कैरम भी थी, मतलब जो जहाँ बैठ रहा था बस कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ में जो है ना अपने आप को मसरूफ़ कर रहा था कि इंजॉय कर रहा था। और ये है हमारे एक जॉली से मामू, मतलब यहाँ पर भी कवाली शुरू होने वाली थी तो उससे पहले मामू ने कहा कि मैं भी अपना थोड़ा सा जलवा दिखाऊँ जो उनको राग आते, उन्होंने कहा मैं भी सुनाऊँ मुझे कितने अच्छे अच्छे राग आते। बस ये कवाली नाइट शुरू हो चुकी थी, हैप्पी न्यू ईयर नाइट भी थी और साथ साथ ही बर्थडे भी थी तो हमने तो बहुत अच्छे से इंजॉय किया। और ये रही हैप्पी न्यू ईयर नाइट, हम लोगों ने बस घर में ही सेलिब्रेशन कर ली थी कि हम वापस जो है यहीं पर ही हम लोग आ गए थे, बच्चे वगैरह ने कहा नहीं हमने घर नहीं जाना, हमने यहीं पर जो है न्यू ईयर भी जो है सेलिब्रेट करना है, बस हम लोग यहीं रुके रहे, बहुत इंजॉय किया। बहुत ठंड थी, बहुत बहुत ज़्यादा ठंड थी, यहाँ पे भी हम लोगों ने बोन फायर कर लिया था, हमने कहा चलो जी बैठो इन्जॉय करो फुल, क्योंकि कहीं बाहर तो जा नहीं सकते थे, सब घर के में ही थे, हम लोगों ने सब ने घर में इन्जॉय किया।
तो वो भी मज़ा आया, उसका भी अलग हुआ है। वरना हर साल जो है हम लोग बाहर जाके ही इंजॉय करते हैं हैप्पी न्यू ईयर पर, लेकिन इस बार हम लोग नहीं बाहर गए थे, हम लोग सब ने घर पे इंजॉय किया, क्योंकि सुना था इस बार बाहर जो है कुछ तरह का मतलब नहीं है, सेलिब्रेशन वगैरह न्यू ईयर की नहीं होनी है। यहाँ कुछ पिक्चर्स मैं आप लोगों के साथ अपनी शेयर कर रही हूँ जो हम लोगों ने बहुत सारी ली हैं। बहुत मज़ा आया था, बहुत बहुत मज़ा आया था, बहुत ज़बरदस्त बर्थडे थी, मतलब मज़ा आ गया बस। और ये नेक्स्ट डे जो है हमें गई थी अपनी जेठ की तरफ, हम लोगों ने एक दिन वहाँ पे भी स्टे किया था। तो हम लोग ये बस नेक्स्ट डे हम लोग यहाँ बाहर निकले थे सोसाइटी देखने के लिए, अच्छी सोसाइटी बनी हुई थी तो हम लोग यही देख रहे थे, बहुत अच्छी सोसाइटी थी। पहले ये किसी और सोसाइटी में रहते थे, अब इन लोगों ने यहाँ पर घर लिया था, तो हम लोग ये चीज़ देख रहे थे, काफ़ी अच्छे अच्छे घर बने हुए थे। मैं और मौसम बस बाहर वॉक करते हुए निकले, हमने कहा चलो साथ साथ बातें होती जाएंगी, सोसाइटी भी देख लेंगे, लेकिन बच्चों ने कहा कि नहीं हम पीछे क्यों रहे, उन्होंने कहा कि नहीं हम भी बाहर चलते हैं। और ये देखे आ गए सब तीनों माशाल्लाह भागती हुई आ गई है कि हमें भी बाहर लेके चलो, हमें पार्क लेके चलो। ये समझ रहे थे हम लोग पार्क जा रहे, हम लोग पार्क नहीं जा रहे थे, हम लोग जस्ट ऐसे ही वॉक कर रहे थे बाहर। चलो पार्क जा रहे हैं हम, नहीं यहाँ पार्क नहीं है कोई, टाइम लग जाएगा नहीं तो सारे झूले वगैरह सब कुछ। हाँ नहीं है लेकिन मैं कह रही थी वैसी बनी हुई साफ सुथरे से, ई एम ई की नहीं थी। हाँ वहाँ बड़े बड़े घर है लेकिन वहाँ ज्यादा बड़े बड़े घर हैं, खुले रोड है, कनाल के हैं, लेकिन ये कहो कि वैसे तो वैसी है। अच्छा सोसाइटीज़ का ये होता है कि यहाँ पर ना इंसान सिक्योर होता है, मतलब किसी चीज़ का कोई डर नहीं होता। लोगों ने बाहर भी मतलब अपने लिए बैठने के लिए सिटिंग एरिया बनाया होता है, स्विंग्स वगैरह रखे होते हैं, तो कोई इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि कोई उठा के ले जाएगा या कुछ हो जाएगा या कोई किसी को छेड़ेगा या कुछ। ये फ़ायदा होता है सोसाइटीज़ का। नहीं देखिए यहाँ बच्चे भी किस तरह से बैठे, जो है ना स्विंग्स बस मिलना चाहिए बच्चों को कि बस हमें जो है ना कि हम लोग पीछे ना रहें, हम लोग कोई खेल मिस ना करें बस। खैर एनीवे आपको जो है आज का व्लॉग कैसा लगा आप लोगों ने ज़रूर कमेंट करके बताना है, वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। और बस अब यहीं पे करती हूँ अपना व्लॉग एंड, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट रेमेडी, नेक्स्ट किसी ना किसी अच्छे व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, सब्सक्राइब माई चैनल।